गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं आज आपको चौथा पार्ट पढ़ाने वाली हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में आधा छोड़ दिया था। राजा, दो तपस्वी और एक बच्चा जो शेर के बच्चे से खेल रहा होता है, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर वो दूसरा खिलौना लेने के लिए तपस्वी उसके महल में जाती है, उसकी कुटिया में, और वहां से उसके लिए एक मिट्टी का मोल लाने के लिए उसको प्रेरित करती है, जब तक वो उसे शेर के बच्चे के साथ खेलता है। राजा, अब हम यहाँ से आगे से पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपने अपने बुक खोले और चौथा पार्ट निकाले और ये लाइन देखें। राजा उपगम्य, उपगम्य यानी पास में जाकर, सविस्मति मुस्कुराकर, अहि ओ महर्षि पुत्र, अरे ओ महर्षि पुत्र। तापसी, तापसी क्या बोलते हैं, भद्रमुख, हे भद्रमुख यानी हे मनुष्य, न खल्य विल्य ऋषि कुमार, ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। राजा, राजा वापस क्या बोलता है, आकार सदृश्य चेष्टत मेवश्य कथ्यत, ये आकार और दृष्टि की नजर से तो ऋषि कुमार ही लगता है। स्थान प्रत्यय तु वयम में वृत्ति करिया, और स्थान और कपड़ों से, शरीर आकृति से भी ये ऋषि कुमार ही लग रहा है। इति यथा अर्थिम अनुतिष्ठति, अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो यहाँ पर कैसे हैं। राजा वापस बोलता है, बालक उपलालयन, बच्चे को प्यार करता हुआ, न चैन्य कुमारो अयम, अगर ये ऋषि कुमार नहीं है, अत को अयस्य वयप देशे, तो इसका वंश कौन सा है, ये किस वंश से है। तापसी पुरुवंश, पुरुवंश वह उसके कुल का नाम बताती है कि ये पुरुवंश का है। राजा आत्मगतम मनी मन कथम के नायो वयम मम, अरे ये तो मेरे वंश का है, कहने का मतलब है राजा भी पुरु वंश का है और वो बच्चा भी पुरु वंश का है, तो राजा मन ही मन सोचता है कि ये तो मेरे वंश का है। प्रकाशम फिर सामने बोलता है, न पुनर आत्मगता मानव वंशम विषय, ये कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य यहाँ आश्रम में रहता है। तापसी, तापसी वापस बोलते है, यथा भद्र मुखो भनती, जैसे मनुष्य होते हैं वैसे ही है, अप्सरा संबंधे न अस्य जन अयत्र देव गुरो तपस्वी व्रता प्रसुता, अप्सरा से संबंध होने के बाद ये देव गुरु के आश्रम में गर्भवती होकर आई थी, कहने का मतलब है कि ये इसकी माँ है जो एक रानी थी और वो अप्सरा थी और उसका संबंध राजा से हो गया था और जब वो गर्भवती थी तब वो इस आश्रम में आई थी। राजा अपवारी हंसकर, हंत खेद है, द्वितीयम इशमाद जननम, ये दूसरा इशारा भी मेरी तरफ ही है। प्रकाशम अथ सा तत्र भवती, क्या वो यहाँ पर है। किम साख्यम राजस्य पत्नी, क्या वो एक राजा की पत्नी है। तापसी कस्त्य धर्म परा त्याग परित्यागो नाम संकितार्यु चिंतेशी, तापसी क्या बोलती है, ऐसे का नाम लेना भी धर्म के विरुद्ध है जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। राजा स्वगतम मनि मन इयम खलु कथा मामिम लक्ष्य करोती, ये कथा तो मेरी ओर इशारा करती है। राजा मन ही मन सोचता है कि ये कथा तो मेरी ओर इशारा करती है, पहले तो पुरुवंश, दूसरा अप्सरा वाला, और तीसरा कि वो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती, कि ये कथा तो मेरी ओर इशारा करती है। यदि तावदस्य शिशु मात्रम नाम प्रच्छामि, यदि मैं इस बच्चे की माता का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्य पराद्वारे व्यवारे, तो ये अनार्य होगा, कहने का मतलब है अगर एक राजा किसी और स्त्री के बारे में पूछता है तो ये उसके धर्म के विरुद्ध होगा। प्रविश्य प्रविश्य मुण्यम मयूहस्ता, मिट्टी का मोर लेकर वो दूसरी तपस्विनी प्रवेश करती है। तापसी सर्वदमन, सर्वदमन शाकुंतलम लावण्य पेक्षे, शाकुंतली लावण्य को देखो, मतलब कहने का मतलब है उस मोर की सुंदरता को देखो। बाला सदृष्टि पेक्षे, मुंह सामने करके, मतलब स्पष्ट रूप से उसको देखते हुए, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। उभे, दोनों तपस्वी साथ में बोलती हैं, नाम सादृश्य वंचिता मात्र वृषे, ये नाम तुम्हारी माँ का ही है। द्वितीय वत्स पुत्र, अस्य मृतिका मयूरस्य रमत्व पश्यति भणो अस्ति, पुत्र तुम इस मिट्टी के खिलौने से खेलो और उसकी सुंदरता को देखो। राजा, राजा आत्मगतम मन ही मन,
किम वा शाकुंतलेशी मातुर राख्या, क्या तुम्हारी माँ का नाम शाकुंतली है। पूर्वम धैर्यम साध्यन्ति, और उसके बाद उसको देखता है बाल मात माता। रोचते में एष भ्रद्र मयूरे, मुझे ये मिट्टी का मोर बहुत पसंद है। इति कीड़न आदते, और मैं इसके साथ खेलता हूँ। प्रथमा, पहली तपस्विनी होती है वो क्या बोलती है, विलोक्य सोदगम उसको देखकर, अहो रक्षा रक्षा कर मंडलम मणिबंधम न दक्षते। अरे इसके हाथ में जो रक्षा मंडल यानी धागा बंधा हुआ था वो उसके हाथ पे दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलवामनिंग, इधर उधर देखकर, न विद्नमश्य सिंह सावकम विमदति परिप्रष्टते, कहीं ये शेर के बच्चे के साथ खेलता हुआ वहाँ न गिरा दिया हो। इत्यम दानुम इच्छन्ति, मैं लाकर देता हूँ। उभय दोनों साथ में, माँ खल वेतम द्वलंबम कथम गृहितम इति विस्मात परस्परम अवलोक्यति, दोनों एक साथ बोलती हैं और उनको देखती हैं। राजा किम अर्थे प्रतिस्पदा इसमें, तुम दोनों ये क्या कर रही हो। प्रथमा श्रुणो तो महाराज, महाराज सुनिए, एषात् परिजते नामो अस्ति जात क्रमश्य भगवता मारिचे दत्ता। महाराज सुनिए, जब इसका नामकरण संस्कार हुआ था, जातक कर्म हुआ था, तब मारिषि ऋषि ने इसको एता किलम मात पित्रम आत्मम च वर्जिता परो भूमित पता न ग्रहिंतो। तब मारिचि ऋषि ने ऐसा बोला था कि जब ये रक्षा कवच यानी जो धागा उसके हाथ पर कलाई पर बांधा है, सिर्फ इसके माता पिता ही भूमि पर गिरा हुआ उठा सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। राजा अतम ग्रहति, अच्छा प्रथमा ततस्थ सर्पो भूतवा दर्शति, नहीं तो उसको सांप काट लेगा। राजा भविताम कदाश्चम प्रत्यक्ष विक्रिया, तब तो ये सच्चे में ही सब कुछ सार्थक हो रहा। उभे अनेकश्य अनेक बार, राजा सहर्ष आत्मगन और खुशी से अपने मन ही मन, कथम मिनम संपूर्ण में मनोरथम ना भिना दामी, ये पूरी कथा तो मेरे ऊपर ही आधारित है। इति बालम परिषजते, और वो बालक को गले लगाता है। बालक मुंजम माम, मुझे छोड़ दो, यावत मातुम सकाम गमिष्यामी, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा पुत्रक पुत्र मया सेह मात्रम भिन्न दृश्यशी, मैं भी तुम्हारी माता के दर्शन करना चाहूंगा। बालम मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिताजी दुष्यंत थे, न त्वम तुम नहीं हो। राजा स मिस्मतम एष विवाद एव प्रत्यारति, और मुस्कुराकर उसको गले लगाता है। अगला प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे, जब तक आप सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है।